हमारा टीममेट तुम्हारे लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन उसके बदले में अगर तुम उसको बिट्रे कर दो, उसका ट्रस्ट तुमसे कम्प्लीटली खत्म हो जाता है। ये है वांटेड एसएमपी एंड ये है डायमेंशन थंडर। मेरा एक बहुत ज्यादा लॉयल टीममेट जिसने सर्वर के अंदर जो भी आइटम ऑब्टेन करा उसका 50% मुझे दिया। लेकिन डायमेंशन ने आखिर ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मैंने डायमेंशन की टीम लीव करके अपनी एनिमीज की टीम ज्वाइन कर ली। अच्छा तो तुम मेरी टीम में तो आ चुके हो, लेकिन मुझे अभी भी तुम पे शक है। वेल, ये है गेमर टी, मेरा सबसे बड़ा एनिमी जो कि इस सर्वर के स्टार्टिंग से लेकर अब तक मेरा दुश्मन रहा है। वेल, आज से कुछ दिन पहले मैंने ऑब्टेन करी थी एक ऐसी सोर्ड जिसकी हेल्प से मैं सर्वर का टाइम स्टॉप कर सकता था, एंड उसी सोर्ड का यूज करके मैंने गेमर टी को फ्रीज कर दिया था। लेकिन एट द एंड मैं गेमर टी को अनफ्रीज कर देता हूँ, मुझे उसकी टीम ज्वाइन करनी थी। शक है? कैसा शक है गेमर टी, मैंने तुम्हें लिटरली फ्रीज कर दिया था वहाँ पे, एंड मैं चाहता तो तुम्हें बैन कर देता, लेकिन मैंने वो नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हारी टीम में आना चाहता हूँ। अभी तुम ये बोल रहे हो, तुम्हारी ये सारी बातें सही है, लेकिन तुमने इस एसएमपी में काफी ज्यादा टीम्स ज्वाइन की हैं और फिर उन टीम्स को लीव किया, उनको धोखा दिया, तो इस वजह से मैं इतनी आसानी से तुम पे भरोसा नहीं कर सकता। देखो गेमर टी, वो बहुत पुरानी बातें हैं एंड उन बातों को काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, एंड अभी मैं वैसा नहीं रहा। मैंने लिटरली डायमेंशन को लीव कर दिया एंड अभी मैं एक नई टीम ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं पीस के साथ रहना चाहता हूँ एसएमपी के अंदर। चलो सही है, मैं तुम्हारी बातें मान लेता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें मेरी टीम के अंदर अपनी जगह पक्की बनानी है ना, तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। कैसा काम गेमर टी? जैसा कि तुमने बताया कि तुम पहले डायमेंशन के टीममेट थे, तो उसके बेस के कोऑर्डिनेट्स तो तुम्हारे पास होंगे ही, बस मुझे वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो कुछ दिन पहले जब मैं और डायमेंशन टीममेट थे, तब मैंने और डायमेंशन ने मिलकर एक बेस क्रिएट की थी एंड गेमर टी उसी बेस के कोऑर्डिनेट्स मांग रहा था। वेल, इसके अंदर मुझे कोई इतना इशू नहीं है क्योंकि मैं उसका टीममेट था, अब हूँ नहीं। तो चलो मेरे साथ आ जाओ, बस मेरे पीछे आ, मैं तुम्हें उसकी बेस की तरफ लेके चलता हूँ। कोऑर्डिनेट्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, तुम्हें समझ नहीं लगेगी। ओके, तो वो देखो भाई, सामने वही बेस है उसका। ओ, ये चेरी वाला? हाँ हाँ, ये वही जो चेरी ब्लॉसम में बना हुआ ये वाला। वैसे गेमर टी, एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ हाँ, पूछो पूछो। इस स्पेस का करोगे क्या तुम, लाइक डिस्ट्रॉय कर दोगे क्या? अरे नहीं नहीं, डिस्ट्रॉय क्यों करूँगा, मैं तो बस वैसे देखा कि इतनी देर से आपका टीममेट था डेडलीस्ट प्लेयर, तो देखते हैं बस बेस कैसी है, और डिस्ट्रॉय क्यों ही करूँगा यार, पीसफुल प्लेयर हूँ मैं। अच्छा इधर यहाँ पर तो ठीक हो गया सब कुछ, अभी तुम मेरे पीछे चलो, मुझे तुम्हें एक चीज़ दिखानी है। क्या चीज़ भाई, क्या हुआ? तुम मेरे पीछे चलो, बस एक यहाँ पर नज़दीक में है। अरे भाई कहाँ ले आए हो, ये विलेज क्या जगह है भाई ये? अरे यहाँ पर पास में ही है, बस आपने डायमेंशन के कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल सही दिए थे, तो अब मेरी बारी आपको कुछ दिखाने की। दिखाने का? मैं समझा नहीं कुछ, क्या बात कर रहे हो? वेट, वेलकम टू आवर बेस। ओ माई गॉड, ये है हमारी टीम की बेस, जो कि अभी तक मेरे अपने ही काफ़ी टीममेट्स को मैंने नहीं दिखाई, लेकिन तुम खुश नसीब हो कि मैंने तुम्हें ये दिखाई है। और यहाँ पर है स्पेशल आर्मर जो कि ओह माय गॉड, स्किन को देखकर बनाया गया बिल्कुल अच्छे से। और व्हाट, वेलकम टू आवर टीम। अरे भाई ये बिल्कुल लाइक मैच कर रहा है भाई, लिटरली है। ओह माय गॉड भाई, थैंक यू सो मच, इसको मैं ले सकता हूँ? और यस यस, आप ले सकते हो इसको, और आई होप मुझे कभी धोखा नहीं मिलेगा आपकी तरफ। अरे भाई बिल्कुल बिल्कुल भाई, कभी भी नहीं मिलेगा तुम्हें। और ये है हमारे प्यार की निशानी। नहीं भाई, मैं वैसा नहीं हूँ जैसा तुम समझ रहे हो। अच्छा तो अदर, अब तुम मेरी टीम में तो आ चुके हो, लेकिन अभी तुम्हें बताने की बारी है जो तुम्हें जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मतलब तुम्हें ये जानने की जरूरत है कि हमारी ये टीम इस सर्वर में बनी क्यों है। तो हमारी ये जो टीम है, उसका मेन मोटिव ये है कि हम इस सर्वर में पीस बनाकर रख सके। मतलब जो भी इस सर्वर में पीस को तोड़ेगा वो हमारी टीम का दुश्मन है। और तुम्हें भी पता है कि इस वक्त इस सर्वर का पीस कौन खराब कर रहा है? डायमेंशन थंडर। और इसलिए मैंने अपनी टीम की एक मीटिंग रखने का सोचा है, जिसमें हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें डायमेंशन को कैसे रास्ते से हटाना है। मतलब हम ये डिसाइड करेंगे कि हम डायमेंशन को कैसे बैन करने वाले हैं। बिल्कुल सही। अच्छा तो आप सबको पता ही है कि आज की ये मीटिंग हमने डायमेंशन को बैन करने के लिए रखी है, तो मेरे पास तो मेरा प्लान है कि हम उसको किस तरह बैन करें, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे भी पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई अच्छा प्लान है तो आप सब बताओ मुझे। तो नॉट वेट, अगर आपके पास कोई प्लान है तो बताओ मुझे। अरे अरे टी भाई, मुझे क्या पता भाई, मेरे को तो बुलाया, मैं जस्ट आ गया, मैं कुछ प्लान व्लान लेके नहीं आया हूँ भाई, किसी और से पूछो। चलो कैप्टन, अगर आपके पास कोई प्लान है तो आप बताओ। नहीं भाई, मेरे पास तो कोई प्लान नहीं है अभी। भाई कोई भी कुछ सोच के नहीं आया यार। हैदर, तुम्हारे पास है कोई प्लान? यार देखो, मेरे पास कोई प्लान नहीं है, लेकिन डायमेंशन का मैं काफ़ी टाइम के लिए टीममेट रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी ऐसी चीज़ें पता है जो कि हमारी हेल्प कर सकती है डायमेंशन को इजीली बैन करने में। तो बताओ भाई, वेट क्या कर रहे हो फिर?
तो जो मेन चीज है, जो सबसे पहली चीज है, अगर हमें किसी को बैन करना है तो उसका रिस्पॉन पॉइंट होता है। लेकिन डायमेंशन का जो सीन है वो एक बेड के ऊपर, लाइक हम मेनली एक बंदा एक बेड के ऊपर रिस्पॉन पॉइंट सेट करता है अपना। डायमेंशन ने तकरीबन 20 से 30 बेड लगाए हुए हैं अपनी बेस के अंदर, एंड उन 20 से 30 बेड में एक बेड ऐसा है जिसके ऊपर उसका रिस्पॉन पॉइंट है। मतलब अगर हमें उसको मारना है तो उसके सारे बेड कवर करने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल यही चीज, लाइक अगर हमें उसको बैन करना है, मारना है, तो उसके लिए तो कवर करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर हमने बेड तोड़ दिया, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर हमने बेड तोड़ दिया तो वो स्पॉन पे आ जाएगा एंड वो इजीली एस्केप कर लेगा। यार ये तो वैसे हमें उसके बारे में काफी सही बात पता चल गई। बट टी भाई उसके लिए तो हमें एक बंदा चाहिए होगा। हाँ हमें एक बंदा चाहिए होगा जो कि उसकी एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सके। कि वो किस टाइम पे ऑनलाइन आता है एंड किस टाइम पे ऑफलाइन जाता है। और ये काम मुझसे ज्यादा बेटर कोई नहीं कर सकता है क्योंकि मैं सर्वर में 24/7 खेलता हूँ। तो भाई सोते कब हो? अच्छा तो सही है फिर, नोट भी तुम अपना काम अच्छे से करना और जितना जल्दी हो सके डायमेंशन की टाइमिंग पता करो और हैदर को बताओ ताकि वो उसके बेड को कवर कर सके। और आज की मीटिंग यहीं पर खत्म होती है और आई होप आप सब अपना अपना काम अच्छे से करोगे और हमारा ये मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। डायमेंशन को बैन करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ। मैंने आप लोगों के लिए एक लाइफस्टाइल सर्वर बनाया है एंड उस सर्वर के अंदर आप लोग लिटरली खेल सकते हो। तो तुम्हें बस कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन के अंदर या पिन कमेंट के अंदर तुम्हें एक आईपी मिलेगी, तुम्हें वो आईपी पुट करनी है एंड तुम इस सर्वर के अंदर आ जाओगे। एंड इस सर्वर के अंदर लिटरली तुम्हें बहुत मजे मजे की चीजें मिलेंगी। जैसे कि स्पॉन होती है, तुम्हें एक रैंक्स का ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पे तुम जाके रैंक्स बाय कर सकते हो। इसमें काफी ज्यादा अमेजिंग अमेजिंग रैंक्स एंड काफी यूनिक रैंक्स भी है, लाइक रेयर रैंक, लेजेंडरी रैंक एंड इलीगल रैंक। वेल मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट ये इलीगल रैंक है क्योंकि इसके अंदर तुम्हें लिटरली इलीगल टूल्स मिलते हैं विद एन्चेंटमेंट लेवल 7। और इस सर्वर के अंदर जितनी देर तुम खेलोगे उस हिसाब से तुम्हें कीज मिलेंगी, जिस कीज की हेल्प से तुम ऐसे क्रेट ओपन कर सकते हो। भाई ये क्या कमाल की एनिमेशन है। एंड इन कोऑर्डिनेट्स पर मैंने ये ओपी सा चेस्ट छोड़ा है जिसको तुम क्लेम करके अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी आ जाओ जल्दी से, आईपी नीचे कमेंट्स के अंदर पिन है, लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। वेल मीटिंग के बाद मैं कुछ काम कर ही रहा होता हूँ लेकिन तभी मुझे वियर्ड का मैसेज आता है एंड वो मुझे कुछ ये बोलता है। हेलो वियर्ड, क्या हो गया? मेरे को तुमसे यार कुछ बात करनी थी। हो कहाँ अभी? मैं तो लाइक पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या बात करनी है, पहले ये तो बताओ। ओके ओके, कोऑर्डिनेट्स दो, वहाँ पे मैं आके बात करता हूँ। कोऑर्डिनेट्स दो अपने। तो लेकिन तुमने तो डायमेंशन की वो लोकेशन निकालने जाना था ना, उसकी टाइमिंग का। हो कहाँ, पहले मेरे को कोऑर्डिनेट्स दो फिर बात करते हैं पूरी। रुको मैं तुम्हें सेंड कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट्स। ओके मैं हैदर आ गया। भाई कहाँ पे हो यार, दिख नहीं रहे हो। ओके ओके ओके, हेलो 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 हैदर, पीछे पीछे किधर? अरे भाई इतनी जल्दी कैसे आ गया तू? अरे बस बस चलो आए। वैसे तो मेरे को एक चीज चाहिए, लाइक जो तुम्हारे पास इलीगल सोर्ड है भाई, वो मेरे को चाहिए। वेल जो इलीगल सोर्ड वियर्ड मुझसे मांग रहा था, उस इलीगल सोर्ड से सर्वर के अंदर कुछ भी किया जा सकता था, लेकिन अभी वियर्ड एक अननोन पर्सन की बजाय मेरा एक टीममेट था, तो मुझे कैसे भी करके वो सोर्ड उसको देनी ही पड़ी। अरे बट हैदर भाई, मैं कौन सा उसे हमेशा के लिए मांग रहा हूँ भाई, मेरे को तो सिर्फ वो 2 दिन के लिए चाहिए। जैसे तुम्हारा काम खत्म होता है वैसे मैं तुम्हें वो वापस कर दूंगा। चल भाई 2 दिन के लिए चाहिए तो मैं तुझे दे देता हूँ, परमानेंटली कैसे मांग सकता तू? ये ले इसको ध्यान से रखना भाई एंड मुझे दे देना है, ठीक है? 2 दिन के अंदर अंदर वियर्ड को मैं सोर्ड दे देता हूँ। उसके कुछ टाइम के बाद वियर्ड मुझे एक ऐसी चीज बताता है जिसका वेट मैं काफी टाइम से कर रहा था। अरे भाई वो मैंने सब पता लगा लिया एंड सारी मैंने क्लिप्स गूगल ड्राइव पे भाई तुम्हें भेजने वाला था, बट तुमने कॉल कर दिया यार। और अब सुबह के 9 बज चुके हैं बट अभी तक भी डायमेंशन नहीं आया। दोपहर के 12 बज चुके हैं और अभी तक भी डायमेंशन नहीं आया। देखते हैं कब तक आता है। और अब रात के 8 बज चुके हैं भाई और मैं खाना खा के भी आया बट अभी तक डायमेंशन नहीं आया। व्हाट भाई, रात के 10 बजे और फाइनली डायमेंशन ने ज्वाइन कर लिया? ओके नाइस भाई, मेरे को इसी पल का तो इंतजार था। वेल अभी डायमेंशन की लॉगिन और लॉगआउट डिटेल्स काफी क्लियर थी। डायमेंशन रात के 10 बजे गेम ज्वाइन करता था एंड रात के 3 बजे गेम लीव करता था। एंड इसी के साथ वो पूरा दिन गेम में नहीं आता था क्योंकि वो सारा दिन ऑफलाइन रहता था। इन शॉर्ट वो सारी रात गेम खेलता था एंड सारा दिन सोता था। और इतनी डिटेल डायमेंशन के बेड्स को कवर करने के लिए काफी थी। सो मैं निकल पड़ता हूँ डायमेंशन की बेस की और उसके बेड्स को कम्प्लीटली कवर करने के लिए। ओके पहुंच तो गया हूँ भाई मैं, मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है लेकिन नहीं भाई वो नहीं आएगा मेरे ख्याल में भी। भाई ये जगह काफी लाइक वो है, अजीब सी जगह बनाई है इसने। अरे भाई ये इसकी मशीन्स लगी हुई हैं। आप डायमेंशन रात के 10 बजे गेम ज्वाइन करता था एंड रात के 3 बजे गेम लीव करता था। ओह नो भाई 10 तो नहीं बजे क्या? अरे 7:30 हुए हैं अभी, व्हाट द हेल। ओह माय गॉड क्या बोलूं अभी भाई मैं, भाई वियर्ड एक काम भी ठीक से नहीं कर सका। ओह नो
शिट भाई, ये कोई रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा? वेट, हेलो, अरे यार भाई, अरे भाई क्या बोलूं अभी उसको, मैं निकलता हूँ, निकलना ही पड़ेगा भाई, कोई और ऑप्शन नहीं है, निकलना पड़ेगा भाई। What's up, dude? Wait. What's up, dude? Dimension ने कभी ऐसा बोला तो नहीं मुझे? भाई ये Dimension, मुझे नहीं लग रहा Dimension है, क्योंकि अगर ये Dimension होता तो मुझे डायरेक्ट मारना स्टार्ट करता। नहीं 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 नहीं, wait. कुछ लिख रहा है वो, I am not Dimension. Wait. मुझे कुछ समझ नहीं लग रही, लिटरली क्या हो रहा है भाई, मुझे कुछ समझ नहीं लग रही भाई। भाई प्लान फेल ना हो जाए भाई, कहीं डायमेंशन और ये मेरे जानबूझ के भी कर सकता है अगर ये डायमेंशन थंडर हुआ तो, हु नोस भाई, हमें नहीं पता, लेकिन वोंट टेल यू हु आई एम, बट आई एम नॉट डायमेंशन। भाई लीव कर गया है तो, और इसका नेम काफी अजीब सा है। हेलो, व्हाट द हेल, डायमेंशन थंडर एंडी, क्या चल रही है भाई? भाई मुझे नहीं पता भाई, अपना काम करो जो काम करने आए हो भाई, नीचे चलो भाई। ओके, इस चेस्ट के अंदर होगा भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है, बट मुझे अपना काम करना है जो मेरे जिम्मे था। वियर्ड वो डायमेंशन नहीं था 110%, अगर वो डायमेंशन होता तो भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। वेट, ये खुला पड़ा है भाई, ये एरिया खुला पड़ा है लिटरली। ओके, ये बेड्स हैं भाई, यही बेड्स की मैं बात कर रहा था भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। जल्दी निकालो, लगाओ और निकलो भाई, मुझे निकलना पड़ेगा एरिया। डायमेंशन अगर खुद भी आ सकता है, अगर वो बंदा फिर से आ गया भाई, नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही भाई, अगर वो मुझे फॉलो करता, नहीं, मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा डूड। शिट, ओह नो, अबे कहाँ फंस गया भाई, निकलो यहाँ से। वेट, ओके यहाँ से निकलना पड़ेगा, ये जैसा था इसको वैसा छोड़ देता हूँ। नहीं, ऐसे वो एस्केप कर लेगा, रुको, यहाँ पे ऑब्सिडियन लगाओ, थोड़ा सा ध्यान से निकलना पड़ेगा क्योंकि डायमेंशन भी ऊपर है। मैं देखता हूँ एक सेकंड फ्री मोड में, किधर है ये, यहाँ पे नहीं है। वेट, नहीं है वो यहाँ पे नहीं है। ओके, एरिया क्लियर है, निकलो। वेल, अपना काम करने के बाद मैं जल्दी से वो जगह लीव कर देता हूँ, एंड अभी टाइम था उस मिशन का जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे थे। हेलो गेमर्टी, हेलो, हाँ बताओ हैदर। अरे सब कुछ सेटअप है, एंड इस टाइम पे डायमेंशन भी ऑनलाइन है, मैंने बेड कवर कर दिया है, एंड ईच एंड एवरीथिंग इज गुड टू गो, हमें बस वहाँ पे जाना है, उसको मारना है, एंड देन उसको बैन कर देना सर्वर से। तो बस फिर सही है, वेट क्या कर रहे हैं, चलो चलते हैं। ऑलराइट, लेट्स गो, इधर साइड पे आ जाओ, चलो इधर से जाना पड़ेगा हमें, जल्दी जाना होगा इससे पहले कि वो ऑफलाइन चला जाए। नहीं, ऑफलाइन नहीं जाता, अभी 10 बजे हैं, वो रहेगा 3 बजे तक। सामने ही है बेस, रुको, कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग यहीं पे। ओके, दिख गया भाई, रुको, डायमेंशन ऑनलाइन है ना, लेट्स गो, चलो भाई चलो। बेस के अंदर ही होगा ऑफ कोर्स, और कहां जाना है उसने, डरपोक है, लेट्स गो भाई, ये बचना नहीं चाहिए, बहुत हो गया इसका। ओके, वेट, रुको, क्या हुआ वहाँ पर, देखो जूम करो उसकी विंडो के अंदर, जूम करो वहाँ पे, उसके साथ भी कोई है। वेट, अरे ये तो हमजा है। व्हाट, हमजा उसके साथ क्या कर रहा है, उसका टीममेट है ब्रो, इसने, ओह नो, इसने न्यू टीम क्रिएट कर ली क्या? अबे यार भाई, नहीं, ये नहीं हो सकता, पहले ही बोला था। अभी एक और बंदा है उसके साथ, स्लिपी प्लेस। What? भाई, अरे भाई, नो वेज, निकलो यार भाई, अरे यार भाई, सारा प्लान खत्म भाई। भाई 10 दिन से हम इस चीज की प्लानिंग कर रहे थे, और ये दोनों इसने अपनी टीम में लेके पूरी बेस, अबे ये एनपीसी की तरह खड़े हैं लिटरली। रियल तो है ना, इसमें कोई मोड यार, वो लोग सर्वर के अंदर खड़े हैं भाई, देयर इज नो अदर ऑप्शन, हमें जाना पड़ेगा गेमर्टी।
वेल, हमारी 10 दिन की प्लानिंग लिटरली 10 सेकंड के अंदर खत्म हो चुकी थी। डायमेंशन ने सर्वर के अंदर एक न्यू टीम क्रिएट कर ली थी, लेकिन अभी भी कुछ चीजें ऐसी थी जो कि हम एग्जीक्यूट कर सकते थे। अरे कहाँ जा रहे हो? देख भाई, हमारा प्लान फेल हो चुका गेमर्टी, लेकिन इनको मारना ही पड़ेगा। एक आधे को तो मार के आएंगे ना। बाजा भाई, एक आधे को क्या सबको मार पाएंगे? मैं आपके साथ जाऊँ, डेडलीस्ट प्लेयर हूँ। वो तो पता चल जाएगा। ओके, थोड़ा सा देख के जाना पड़ेगा, इन्वेंटरी सेटअप कर लूँ मैं। भाई मेरे पास इतने पोशन्स भी नहीं है। जल्दी रुको 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 रुको, चलो भाई घुस यार, आगे आओ ना जल्दी। आ गया मैं। इनकी बेस को तोड़ फोड़ कर देंगे। रुको, अरे तोड़ फोड़ बाद में करते हैं, पहले उनको तोड़ो। लेट्स गो, रश करो रश करो। अबे स्लीपी को टारगेट करो, स्लीपी को। ओके, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। भाग तो मैं भी बॉटम रख लिया उसने। अबे भाई, ओ नो, ऐसे भाई वैसे फाइट अब ये आपकी है, क्योंकि मैं निकल चुका हूँ, मरना नहीं चाहता मैं। मरना तो मैं भी नहीं चाहता। वेट अ सेकंड, मैं इसके पास लाइटर है लेकर आया। व्हाट? हाँ, उसने वो जा चुके हैं ना हम लोग एंड में। अरे मुझे यहाँ पे किसी का टोटम मिला है। ओह नो, डायमेंशन आ रहा है, मैं 2v1 नहीं कर सकता। भाई तुम कहाँ भाग गए? अरे आ रहा हूँ वेट। मैं इनकी बेस में घुस रहा हूँ। इनकी बेस की तोड़फोड़ करता हूँ। रुको, ओ शिट, अबे ये क्या ग्लिच हो रहा है? गेमर्टी इनकी बेस में आ जाओ भाई, इसका क्या तोड़ेंगे, इसकी मशीन्स का तोड़। भाई ये उड़ा रहा हूँ मैं, सब कुछ उड़ा रहा हूँ। अबे भाई उसकी टेलीपोर्ट वाली मशीन तोड़ दी मैंने। तोड़ दे। अबे इसकी सोर्ड। ओ शिट, अबे स्लीपी प्लेस फिर से आ गया। निकलो गेमर्टी, निकलना पड़ेगा। गेमर्टी तुम कहाँ पे हो? तुम निकल चुके हो ना? मैं निकल चुका हूँ भाई, मेरा आर्मर गया। शिट गेमर्टी, निकलना पड़ेगा हमें भाई। निकलते बाद में, पहले मैं देख लूं कि मुझे भाई मैं गया। ओ शिट, अरे यार भाई अकेले वक्त में मुझे छोड़कर चले गए भाई। मेरे पास मेरा आर्मर बहुत लो था भाई, मेरा आर्मर बहुत लो था यार। वो सब तो सही है इनका, लेकिन करना क्या है? वेल, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो। कसम है, रीच करने 50,000 सब्सक्राइबर्स एट द एंड ऑफ दिस ईयर। एंड अगर तुम्हें मुझसे रिप्लाई चाहिए तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। हैदर डायमेंशन ने तो यार अपनी पूरी टीम बना ली, अब हम उसको कैसे बैन करेंगे? वेल, उसने बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड काम किया गेमर्टी, जो हमने सोचा नहीं था वही कि हमारे 10 दिन की मेहनत लिटरली वेस्ट हो गई। लेकिन अभी जहाँ पे हमें एक बंदे को बैन करना था, अभी हम 3 बंदों को बैन करेंगे। 3 बंदों को मतलब तीनों को बैन करना पड़ेगा? अभी कोई और सलूशन नहीं है, क्योंकि एक बंदा जाएगा तो दूसरा ऑनलाइन आ जाएगा, दूसरा जाएगा तो तीसरा ऑनलाइन आ जाएगा। इम्पॉसिबल है अभी डायमेंशन को बैन करना। ऐसे तो एक एक करके सबको बैन करना पड़ेगा यार। उनको बैन तो कर लेंगे, लेकिन उनके रिस्पॉन पॉइंट कहाँ से मिलेंगे हमें? रिस्पॉन पॉइंट जहाँ तक मुझे शक है, शक नहीं श्योरिटी है 110%, डायमेंशन ने उनके रिस्पॉन पॉइंट वहीं पे लगाए होंगे जहाँ पे उसने अपने लगाए हैं, एंड वो एरिया अब कवर है, तो इतनी कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होने वाली हमें यार। ये तो वैसे सही है, और मैंने भी स्लीपी को देखा था स्पॉन पे लॉग आउट करते हुए। वेट, अभी डायमेंशन नहीं है सर्वर में, उसको आने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। आप डायमेंशन की बेस की तरफ जाओ, मैं स्पॉन पे जा रहा हूँ, ठीक है? जल्दी, ओके, हमें वेट करना पड़ेगा उसके आने का। पहुंच रहा हूं। ना कुछ तो वेट, स्लीपी प्लेस जॉइन द गेम। ओह माय गॉड, ओके उसके पास इतना आर्मर भी नहीं है। वेट, इसको वीसी बुलाता हूं मैं भाई। ये जाना नहीं चाहिए, सब कुछ सेटअप है, बस अगर ये बंदा भाग गया तो मेरा प्लान फेल है। रुको, हेलो स्लीपी प्लेस। हाँ हैदर भाई, बोलो। अरे भाई न्यू आए हो क्या सर्वर में यार? कोई टूल्स वूल नहीं है तुम पे? हाँ नया आया हूँ, 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया। अरे 2 दिन पहले ज्वाइन किया और लोगों की टीम भी ज्वाइन करने लग गए। हाँ भाई, इस सर्वर में टिकना है तो टीम में तो जाना ही पड़ेगा। हाँ लेकिन शायद गलत बंदों की टीम में चले गए तुम। क्या बात कर रहे हो, गलत बंदे? आप भी तो उसी टीम में हो।
हूँ नहीं भाई, था शायद तुझे बताया नहीं डायमेंशन ने मेरे बारे में कि अब से जो डायमेंशन का टीममेट होगा वो मेरा दुश्मन होगा एंड जो उसका दुश्मन होगा वो मेरा दोस्त होगा। लड़ सकता है क्या भाई इस हालत में? अरे भाई शट, वो वेट व्हाट, मैंने अपना रिस्पॉन पॉइंट तो अपने बेस पे सेट किया था, मैं इधर कैसे आ गया? अरे यार भाई रुको, मेरी बात सुनो, इधर आओ, चीज दिखाता हूं तुम्हें। डायमेंशन तो तुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे मार के बहुत बड़ी गलती कर रहा है। तू इधर आएगा, इधर आएगा। डायमेंशन क्यों नहीं छोड़ेगा भाई, डायमेंशन का भी यही हाल होगा। बता देना अगर तुझे मिले तो, वो उसके साथ भी ये जल्द होगा, लेकिन पहले उसके चेलों को खत्म कर रहा हूँ ना मैं। एक तू एक वो है। भाई तू निकल पहले तो। हैदर भाई मैं छोड़ो, मैं एक हार्ट पे हूँ। हैदर भाई आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, मैं एक हार्ट पे। अरे रुको, मजाक कर रहा था भाई, ये लो लगा लो पैन होने के बाद। व्हाट ऑल राइट, तो हमारा अभी एक मेन टारगेट तो सर्वर से खत्म हो चुका है स्लीपी प्लेस, लेकिन अभी एक बंदा और पड़ा है, हमजा। एंड गेस व्हाट, मैंने अभी अभी लॉगिन करा है एंड हमजा सर्वर के अंदर खेल रहा है, तो मैं इसको ऑफर देने वाला हूँ। स्लिपी को तो मैंने बैन कर दिया था, लेकिन हमजा को मुझे एक ऑफर देनी पड़ेगी, मैं उसको खरीदने वाला हूँ। इसके लिए उसको वीसी बुलाना पड़ेगा। हेलो हेलो हमजा यार, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? अभी तो मारने आया था भाई एंड अब हेल्प चाहिए तुझे। यार वेट, तू इधर ही है क्या? तेरा पानी गिर रहा है यहाँ पे। वेट, तुम्हारे पास तो भाई पूरा नेदरराइट का आर्मर है, मैं तुम्हें एक ऑफर देने आया हूँ। कैसी ऑफर? तुम्हें 3 दिन तक गेम लॉगिन नहीं करने। क्यों भाई? भाई इसका आंसर नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर तू 3 दिन तक गेम लॉगिन नहीं करेगा तो मैं तुझे लाइक जो तू मांगेगा वो दूंगा मैं तुझे। भाई तू जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा, सर्वर के अंदर जो तुझे चाहिए बोल। यार ऑलमोस्ट मुझे, मेरे पास सब कुछ है, मेरे को लाइक किसी चीज़ की नीड नहीं है, बट तू तब भी बता के क्या दे सकता है तू। भाई देख भाई हैदर, मेरे पास सब कुछ है यार इस सर्वर के अंदर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओ सब कुछ है। यप, आर यू श्योर तेरे पास सब कुछ है? हाँ भाई सब कुछ है। मुझे तेरे हार्ट्स 5 दिख रहे हैं भाई। 5 हार्ट दिख रहे हैं तो क्या मतलब? मेरे पास है और मैं लगा रहा नहीं, वो अलग बात है। आ आ भाई हैदर भाई हैं भाई, अच्छा खेला तू। बट मैं तुझसे एक बात पूछ रहा था, तेरे पास लूज करने के लिए कुछ है? भाई किधर है तू भाई अब? रुक बात करते हैं, 2 हट पे हूं मैं, मत कर। मैं बात कर, रुक जा भाई, मत मारियो, 1 हट पे बात करते हैं। रुक, मुझे नहीं रुकना, तुझे पड़ेगा हमजा। अच्छा देख मैं क्या करना है बता। अभी कुछ करने को रहा ही नहीं, क्योंकि जो लॉग आउट करने से वो ना था वो तुझे बैन करके भी हो जाएगा, तो अरे रुक, अबे पागल है, मत कर, नहीं रुक, एक काम करते हैं, क्या करना क्या था? भाग मत, अरे रुक, हाफ आउट ना, सामान मत उठाना, मेरे पास बो है, डोंट इवन ट्राई। देख यार देख, 1 मिनट मेरी बात सुन, देख, अरे मत कर, बैन हो जाऊंगा मैं, मत कर, रुक। तू क्या चाहता है मैं क्या करूँ? भाई देख, जो मैं चाहता था वो तुझे बैन करके भी हो जाएगा और वो बेटर होगा। सो हमजा अभी कोई ऑप्शन नहीं है, यू नीड टू से गुड बाय, बिल्कुल स्लीपी प्लेस की तरह। हेलो गेमर टी, हमारे प्लान्स बिल्कुल क्लियर है। डायमेंशन के दोनों टीममेट को जो हमारे रास्ते में आ रहे थे उनको बैन कर दिया मैंने, एंड अभी सिर्फ डायमेंशन को बैन करना बाकी है, एंड देन सर्वर का पीस वापस आ जाएगा। ऑलराइट वी आर हियर, वेट, ओके ये खड़ा डायमेंशन। हेलो डायमेंशन भाई, तू फिर से क्यों आ गया? बस यार अपनी बेस की याद आ रही थी, मैंने सोचा एक दफा देख के आऊं। भाई ये भी तेरी बेस नहीं है, ये मत बोल तू। हाँ बार तो बार आ जाता है भाई तंग करने के लिए। यार मेरी बेस नहीं है इसीलिए तो मैं आता हूँ यहाँ पे। किस काम के लिए आता है भाई? यार मैंने तुझे काफी टाइम ये बोला है कि भाई मैं तुझे बैन कर दूंगा वो स्टफ, तुझे तो पता ही होगा, तेरे दोनों टीममेट्स को भी मैंने बैन कर दिया, बट मैं तुझे अभी सच में बैन करने आया हूँ डायमेंशन। भाई तू तो अपने टीममेट्स के साथ आके मेरे को बैन नहीं कर पाया, तेरे को लगता है तू अभी कर पाएगा अकेला वो भी? उस टाइम पे मैं प्रिपेयर नहीं था डायमेंशन, अभी मैं फुली प्रिपेयर हूँ। चल देख लेते हैं भाई तेरी प्रिपरेशन। ओके तो यही है ना तेरी बेस?
फिलहाल के लिए यही है। पक्की बात है? क्यों, क्या हो गया? जो थोड़े से नज़ारे दिखाते हैं ना प्रिपरेशन के। क्या है भाई यहाँ पे, ये कॉबवेब्स कब से लगे? व्हाट, एक सेकंड। गेमर्टी, ओ भाई अभी तूने नज़ारा नहीं देखना। वेट, तुझे नज़ारा दिखाते हैं भाई, दिखाओ इसको। गेमर्टी आई है, इसको नज़ारा दिखाओ। आ ब्रो, तू बेस फोड़ने आया था क्या? बेस फोड़ने नहीं भाई, तुझे फोड़ने। लेकिन ये तो जस्ट एक स्टार्ट है डायमेंशन, कुछ और चीजें देखेगा। चल तुझे एक और चीज दिखाता हूँ, इधर आ। है जो तूने मेरी बेस के चारों ओर टीएनटी लगाए हुए हैं क्या? रुक जा एक से, मेरे को ऊपर देखने दे। क्या हो रहा है भाई, क्या कर रहा है भाई तू? हर तरफ टीएनटी है। मैं तुझसे एक बात करने आया हूं, देख। तुझे अगर भाई तो... बात ऐसे नहीं होती है इधर, ऐसे बात नहीं होती भाई। बेस चाहिए या नहीं मुझे बस इतना बता दे भाई। तेरे को लगता है तू ये बेस फोड़ेगा एंड मेरे को फर्क पड़ेगा इस बेस से जो ऑलरेडी एक्सपोज हो चुकी है? डायमेंशन, मैंने तुझे बैन करने की बात की थी, एंड तुझे पता है अभी तेरा जो रिस्पॉन पॉइंट तूने लगाया हुआ है नीचे, वहां पे मेरा एक टीममेट खड़ा है। किसी भी टाइम जब तू यहाँ से, कैसे पता कि वो नीचे मेरा ही रिस्पॉन पॉइंट है? मुझे पता है भाई, क्योंकि उसके अलावा तूने कहीं और आज तक रिस्पॉन पॉइंट लगाया ही नहीं अदर। लेकिन वहां तक पहुंचाने के लिए तो तेरे को मेरे को मारना पड़ेगा ना, तू लड़ना चाहता है? लड़ना तो नहीं चाहता लेकिन ओ तू मेरी बेस में आके ट्रैप बनाएगा एंड मेरे को पता नहीं चलेगा? भाई तू नहीं मार सकता भाई हैदर मेरे को, तेरे से नहीं हो पाएगा।